हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैश डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, इनको भरना सीखेंगे। तो इसको भरने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो पोजिशन है, एक ये पोजिशन है, एक ये पोजिशन, ठीक है। इस पोजिशन को आप भरेंगे, फिर इस पोजिशन को भरेंगे, फिर जो बैंक जो है इस पोजिशन को मोहर लगाकर आपको दे देगा और ये बैंक वाला रख लेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे भरना है। सबसे पहले पहले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर आपको डेट है, तो यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, जिसके 20 तारीख है और 7वां महीना है, और सन का 2 अक्षर डालेंगे लास्ट, यानी 2022, तो 2-2 डाल देंगे, ठीक है। शाखा यानी कौन से ब्रांच में आप जमा करवा रहे हैं, वहाँ की ब्रांच है, जिसके में यमुना विहार, यमुना विहार, ठीक है। और अकाउंट नंबर, जिसके मेरा अकाउंट नंबर ये है, ये मैंने डाल दिया। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें जमा करवाना चाहते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब आपका पूरा नाम आएगा, जैसे मेरा पूरा नाम सारिक है, ठीक है। और इसके बाद कितने रुपए जमा करवा रहे हैं वो आएगा, जैसे कि मैं अपने इस केस में 6,000 रुपये जमा करवा रहा हूँ, 6,000, ठीक। तो मैं यहाँ पर 6,000 रुपये लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर कुछ करना, और इस टोटल को इस तरीके से लाइन खींचना है और यहाँ पर 6,000 लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है, यानी कि वर्ड में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 6,000, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कुछ नहीं है। और इसके बाद इस पोर्शन पे आते हैं, ये पोर्शन भी सेम है। यहाँ पर पहले अकाउंट नंबर आएगा, तो अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। सही सही तरीके से अकाउंट नंबर डालेंगे और अकाउंट नंबर देख लेंगे कि किस तरीके से लिखा हुआ है, उसी तरीके से डालेंगे। आप अगर एक भी अक्षर गलत करेंगे तो गलत तक गलत जगह चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड है, वही है तो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। यहाँ पर पैन नंबर बोल रहा है, पैन नंबर कब डालना है, जब यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा जमा करवा रहे हैं या 50,000 जमा करवा रहे हैं, ठीक है। उस केस में यहाँ पर पैन नंबर आएगा, यानी मैं 6,000 जमा करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पैन नंबर नहीं लिखूँगा, ठीक है। अब ये पर ये लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, सारिक, मैं सारिक लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो डिटेल है, अगर आप चेक जमा करवा रहे हैं तो चेक की डिटेल आएगी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कैश जमा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कैश की डिटेल यहाँ पर ना होके यहाँ पर लिखूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर डेट है, जैसे कि यहाँ डेट में 20/7/2022, यानी 22 लिखूँगा सिर्फ लास्ट। शाखा यमुना विहार, ठीक है। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दूंगा मैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिखना है 2,000 कितने नोट है और 500 कितने नोट है, ठीक है। जैसे कि मेरे इस केस में 3 नोट है, ठीक है, 2,000 के 3 नोट है, तो ये टोटल हो गए 6,000 रुपये, ठीक है। 500 का नहीं है, ये सब नहीं है, इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर देंगे और यहाँ पर 6,000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जो जमा कर रहा है उसके सिग्नेचर आएगा। इससे पहले ऊपर चलें, यहाँ पर आपको वर्ड में लिखना है, वर्ड में लिख देता हूँ मैं 6,000 ओनली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, जैसे कि मैं सिग्नेचर कर देता हूँ और आप, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं भरना, आप काउंटर पे पैसे जमा करते हैं जो, उनको दे देना है, वो आपको यहाँ पर मोहर लगा के दे देगा और पैसे दे देंगे आप उन्हें 6,000 रुपये, और ये रख लेगा बैंक वाला और ये आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से भरना होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया या समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।